वेलकम टू चैनल, वी आर बैक फॉर अनदर वीडियो। सो यहाँ पे है मेरे पास रियलमी 8, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू, अगर प्राइस की बात करें हम यहाँ पे, तो बाकी जो फ़ोन्स आते हैं यहाँ पे मार्केट में, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे डेयर टू लीप Realme का लोगो देखने मिल जाता है। बैक कैमरे की बात करें हम यहाँ पे, तो बैक कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है। सो गाइस, अगर हम इस फ़ोन के कैमरे को देखें यहाँ पे, तो कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा कितना ज़्यादा बेटर है। और मैं यहाँ पे अगर बैक कैमरा इस फ़ोन का दिखाऊँ आपको, सो गाइस यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ नॉर्मल मोड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में हमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पे देखें, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर मैं बैक कैमरे को दिखाऊँ, तो बैक कैमरे में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता है। ऐसे देखें यहाँ पे हम, तो वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप 1080p पे अल्ट्रा स्टडी मोड को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपका जो स्टेबलाइजेशन है, जो वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे फ़ोन को हिला के दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए स्टेबलाइजेशन फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी है। और फ़ोन में देखा जाए तो फ़ोन में आप फोटो 64 मेगापिक्सल पर भी क्लिक कर सकते हैं इस फ़ोन में। यहाँ पर मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ आपके सामने, मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर दिया। और यहाँ पे डिटेल्स देखा जाए, तो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं टीवी पे जूम करता हूँ, तो देखेंगे टीवी यहाँ पे कितना क्लियर दिखाई पड़ रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग है, वहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस जैसा कि देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो सैंपल्स क्लिक किए हैं रियलमी 8 फ़ोन से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में। तो यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें बेटर क्लियरिटी प्रोवाइड कर देता है, प्लस काफ़ी अच्छी सेचुरेशन लेवल प्रोवाइड कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइस, ये अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे आपका बजट है अराउंड 15,000, तो ये फ़ोन आपके लिए बीस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हर चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। फ़ोटो क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रही है। अगर आप एक स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे आपका बजट है अराउंड 15,000 के आसपास, तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अगर प्रोसेसर की बात की जाए, तो ये एक पहला फ़ोन है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें हम अबाउट फ़ोन में जाके, तो यहाँ पे ये फ़ोन में आपको G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देखा जाए तो इस फ़ोन में हमें Realme UI वर्ज़न 2 हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, Realme UI 2। और देखा जाए तो हमें Android वर्ज़न 11 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर हम देखें इस फ़ोन में, तो यहाँ पे आपको G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन में आपको 3 वेरियंट देखने को मिलता है, 4 GB RAM, 6 GB RAM एंड 8 GB RAM। 6 GB RAM का प्राइस आपको पड़ता है 16,000 के आसपास, आपको प्राइस पड़ जाएगी अगर आप 6 GB 128 GB लेना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। और फ़ोन की स्पीड को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि मैं तुरंत एप्लीकेशन को क्लिक करता हूँ, तुरंत ही फ़ोन खुल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस प्राइस पॉइंट में। इसमें आपको 4 GB RAM जो मिलेगा, उसमें भी यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर देखा जाए डिस्प्ले में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जाए तो कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके साथ साथ हमें बाकी बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप नाइट में अगर फ़ोटो को क्लिक करना चाहते हो, तो आप स्टेरी मोड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि 4 से 5 मिनट ले लेता है। उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट देगा, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा, मीन्स आप विश्वास नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको स्टेरी मोड देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ स्टेरी मोड, मैंने क्लिक किया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको ड्यूल वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखें तो हम ड्यूल वीडियो मोड को जब ऑन करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरे का दोनों का वीडियो ऑन हो चुका है। और देखें तो यहाँ पर हम मोर में अगर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन देखने को मिल जाता है। मीन्स आपको अगर स्लो मोशन वगैरह रिकॉर्ड करना है, तो आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर हमें टाइम लैप्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देखते हैं टाइम लैप्स मीन्स फास्ट फास्ट मूवमेंट होता है, वीडियो फास्ट मूव होता है, उसको बोलते हैं हम टाइम लैप्स। और उसके साथ साथ देखें यहाँ पे तो हमें फिल्म मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे फिल्म मोड में हमें क्या 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 ऑप्शन देखे मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट मोड में काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे फिल्म मोड इसलिए यूज़ होता है जैसे कि आपको अल्ट्रा वाइड उसके साथ साथ फिर डायरेक्टली नॉर्मल मोड में आता है आना है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो आप कैमरे के स्टेबलाइजेशन को सेट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप एक्सपोजर को सेट करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर देखें हम अदर फोन्स में तो यहाँ पे अदर फोन्स में देखने को हमें ये फीचर नहीं मिलता फिल्म मोड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी का शॉर्ट फिल्म वगैरह निकालता हूँ तो इस फ़ोन से भी मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर के साथ साथ स्टेबलाइजेशन के साथ साथ आप कैमरे में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अल्ट्रा वाइड मोड में हूँ तो अल्ट्रा वाइड के बाद मैं फिर से अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो फटाक से मैं इस पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे हमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैनारोमा मोड मिल जाता है। उसके साथ साथ टेक्स्ट स्कैनर, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आप उसको स्कैन करके या फिर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट मोड को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा माइक्रो मोड देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और देखा जाए तो यहाँ पे मैं जब फोटो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो डिटेल्स है काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें डिटेल्स देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइस अगर आप एक स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आपका बजट है अराउंड 15,000 के आसपास तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आज के टाइम में देखें तो यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता फ़ोन में और इतने ज़्यादा फीचर्स देखने नहीं मिलता, जैसे कि आप पबजी वगैरह का या आप अगर पबजी वगैरह कोई भी गेम खेलते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की क्लियरिटी भी दिखाऊं तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्लियरिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 4K वीडियो, तो यहाँ पे आप 4K में देखेंगे तो यहाँ पे अगर 4K वीडियो मैं प्ले करूँ यहाँ पे देख सकते हैं, 8K वीडियो में प्ले कर रहा हूँ तो क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी हमें देखने मिल जाता है। देखिए यहाँ पे क्वालिटी हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी हमें देखने को मिल जाता है इस फ़ोन का, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, हद से ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप 4K तक ऑप्शन तक सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको 1080p पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कैसी हमें क्लियरिटी देखने को मिलती है इस फ़ोन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर क्लियरिटी हमें देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जाए तो हमें अगर मैं इसको मूव भी करता हूँ ऐसे या फिर ऐसे और ऐसे भी मूव करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वुमेंस क्लियरिटी लॉस नहीं होता, ब्राइटनेस लेवल आपको 100 निट्स की मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सैचुरेशन लेवल देखा जाए फ़ोन का, सैचुरेशन लेवल भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जाए तो डिस्प्ले की क्लियरिटी हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। तो आप अगर आप बेस्ट बजट स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आपका पर्पज़ है अराउंड डिस्प्ले बैटरी हर चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने मिल जाता है इस फोन में। सो गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।